इनकलाब। बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठो बैठो। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी। मैं मीडिया वाले वीरां नूं भी बेनती करता, थोड़ा जा जब तक कुर्सियां है बह जाओ, ताकि पिछले नज़र जड़े ने उन्हें आवे सब कुछ। सब तो पहला करतारपुर की इस धरती ते, इनकलाबी धरती ते, अज दूरों दूरों चल के पंजाब दे भले लई, पंजाब नू दोबारा रंगला पंजाब देखण लई उम्मीद की किरण लैके आए हुए सत्कारयोग बुजुर्ग, नौजवान वीर, मावां भैणां, छोटे बच्चे, थोड़ा सारे का धन्यवाद। मेरी फतेह प्रवान करो। वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। स्टेज ते शोभित ने साड़ी पार्टी दे MLA साहबान, साडे हुशियारपुर तो जिम्पा साहब जिहड़े मंत्री ने, माल मंत्री ने, साडे शहर तो MLA, साडे नकोदर तो MLA, साडे तुहाडे अपने बहुत ही मेहनती जिन्हां नूं हल्के बारे पिंडां दा नहीं, गली गली दा भी नहीं, घर घर दा पता है। बलकार सिंह जी तुहाडे अपने MLA जिहड़े ने, ओ जिन्हां दे बहुत मेहनत कीती है इत्थे रैली रखण दी, और इन्होंने कहा सी, मैनूं कहा सी कि मान साहब बस एक काम कर दिओ ते साडा जलंधर दा काम जिहड़ा है वह ठीक हो जूगा। रैली जदों शुरू करोंगे, रैलियां दा काम जलंधर दे विचों करतारपुर तो शुरू कर दिओ। मैं कहा ठीक है जी, इत्थों ही शुरू करांगे जी। और सब तो वध खुशी की गल यह कि अज साडे दरम्यान एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बैकग्राउंड जिन्हां दे दादियां तो वो राजनीति दे विच ते समाजिक सेवा दे विच लगे हुए, और साडे लई एक्सपीरियंस ने, साडे तो बड़े ने, बड़े भरा सुरेंद्र चौधरी जी, उन्होंने भी मैं अज ये गल कही है कि मान साहब मैं वलंटीयर बन के आ रहा, मेरा नाम पहला ना बोलियो, मेरे तो जो तुम शामिल करवाना है उदों शामिल करा रहो, मेरी वलंटीयर की लिस्ट च मेरा नाम लिख लो। एक बार जोरदार ताड़ियाँ उन्होंने ना दे। वो कहते जी मैं तो सेवा करनी है, जिथे मर्जी ड्यूटी ला दो। असी कह जी थोड़े तजर्बे की लोड़ पेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी करोड़ों लोगों की पार्टी है, असी दरवाजे बंद नहीं करते भी बस होर नहीं, ना हजे करोड़ों बंदियां ने होर आना है। इस पार्टी ने पूरे मुल्क दे विच फैलना है, हजे तो सिर्फ दो राज्यां दे विच जिहड़ी है सरकार है, गुजरात दे विच 5 MLA ने, गोवा च 2 MLA ने, 10 राज्यसभा दे मैंबर ने, हजे तो 130 करोड़ लोगों दे विच जाना है। क्योंकि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। सो वीरो, अरविंद केजरीवाल जी की अगवाई च यह पार्टी जिहड़ी है ये हरेक नूं मौका देगी। कई बार टाइम लग जाता है, कई बार वक्त थोड़ा जा लेट हो जाता है, पर मैं तुहानूं मेरे वलंटीयर वीर बैठे ने भवक्कड़ कहना जिन्हां नूं मैं तुहानूं यह यकीन दवाना कि तुहाडा जिहड़ा पेट्रोल का एक एक तुबका तुसीं पल्यों पवा के जिहड़े मेरे रैलियां दे मेरे रोड शोआं दे मूहरे गड्डियां मोटरसाइकिल लैके जाते सी, उहदा एक एक तुबके का मुल मुड़ूगा। तुसीं थोड़ा जिहा मैनूं टाइम दे दिओ, बस थोड़ा जिहा, क्योंकि आम घरां चों उठा के असीं मुंडे कुड़ियां MLA बनाए, तुसीं बनाए, असीं तां खड़े कीते उहनां नूं टिकटां दित्तियां, ते तुहाडे चों होर बहुत सारे चेयरमैन, तुहाडे च होर बहुत सारे कमिश्नर दे मैंबर, तुहाडे च होर बहुत सारे वड्डे वड्डे रोजगार जिन्हां नूं मिलणगे उह तुहाडे च बैठे ने। मैं ब्यौंता बनाई जाना, तवीत बनाई जाना, बस डौले दे दिओ, तवीत डौलियां ते बनने ने, ते आपां पंजाब नूं दुबारे रंगला बनाउणा ही बनाउणा है बस। सो अज साडे दरम्यान चुनौतियां बेरोजगारी, ते आ तुसीं देख लो, तुसीं मेरे बजुर्ग बैठे ने,
मेरे पिता जी की उम्र दे, मेरे दादा जी की उम्र दे, कदे पहला कोई यही सरकार देखी है जिहड़ी एक साल दे विच 28,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ी होवे। आ खड़े हैं जी थोड़े सामने 28,000 28,042 नौकरियां मेरे ऐं नौहां ते पईआं ने जी। कच्चिआं नूं पक्के, कच्चे मुलाजम, यह कच्चा लफज जिहड़ा है यह मुलाजमां दे मूहरे मैं रहण नहीं देना। सानू कई बारी हाई कोर्ट दियां जां होर किसी कोर्ट दियां थोड़ी जिहियां दिक्कतां दा सामना करना पैंदा, वह रस्ते क्लीयर कर लिए। जिन्हें भी कच्चे मुलाजम ने कॉन्ट्रैक्ट वाले ने असीं उन्हां नूं पक्के करांगे, साडा काम है, ये साडा काम है। असी सारा कुछ देख रहे हैं कि किमें काम होगा। बिजली पिछली बार जो 16 मार्च में सरकार बनी, पिछली बार तुम झोना लाया 8 घंटे वाली बिजली चो कोई कट लग्या नहीं लग्या, तो झोना आया मंडी च 24 घंटे तो बाद टाइम लग्या मंडी च, आही मंडी च खड़े हाँ नहीं लग्या, पैसे भी नाल दी नाल मिल गए। तो उस तो बाद आपां क्या सी गरंटियां दिंदे सी अरविंद केजरीवाल जी नाल आए सी जदों कि थोड़े घरां दी बिजली मुफ्त कर देंगे, जीरो बिल आया करूँ, तो की कहिंदे सी कांग्रेस ते अकालियां वाले पैसे कित्थों आउणगे। असीं उन्हां नूं दस्या नहीं जाण के, क्योंकि सानू पता सी पैसे इन्हां च ही पए ने, इन्हां च ही कढ़ांगे। सो उन्हां चों पैसे कढ़े है ते 80% घरां नूं बिजली दा बिल जीरो आउंदा है, आउंदा ना बस। फिर तो बिजली बोर्ड का यह भी नहीं है बिजली बोर्ड में असी घाटे छड़ के ते कोई ऐसा काम कर दिए। बिजली बोर्ड का 20,200 करोड़ रुपया जिन्ना भी सबसिडी का एक साल का देना सी, पहली बार होया पंजाब के इतिहास च, असी पैसे सारे देते भाजी। वो इस बार कट की गल तो छड़ो, बल्लभ ने चमक्का भी नहीं मारना, चमक्का लै करो सुखबीर बादल नूं पुछ के देखो चमक्का की हुंदा, पता ही नहीं उन्हों, पता ही नहीं उन्होंने, उन्होंने पता ही नहीं, कदे रहे होन लोगों का पता लग गए। सो वीरो ये रोज मेरे बारे बोलते हैं, रोज मैनु गाला कढ़ते हैं विरोधी पार्टियां वाले, मैनू उहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, मैनू उहदे नाल कोई जिन्ना चिर तुसी मेरे नाल हो मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा। वीरो ये मैनू गाला कढ़ के इन्हां नूं यह नहीं हैगा कि आम आदमी पार्टी क्यों बन गई जां साडी वारी नहीं आई असी हार गए, इन्हां नूं दुख इस गल दा है कि आम घरां दे मुंडे साडे वालियां कुर्सियां ते क्यों बह गए, बस आम घरां दे तीआं पुत नहीं जर सकदे, आही पंगा बस। हारे होए भी बोली जांदे आ भी तुसी भरावो हार गए, हजे तक साल हो गया इन्हां नूं सुरत नहीं आई भी की हो गया रिजल्ट, कईआं नूं तां हजे रिजल्ट दसे भी नहीं होने घरदिआं ने कि कितें दिल नूं ना ला जाए, है ना। सो आ हाल है भाई, आ एक बड़ा झंडा जिहड़ा ना आ जिहड़ा झंडा भाई जी, हाँ हाँ थोड़ा हाँ वो पिछे दिखता नहीं, हाँ। सो वीरो थोड़े नाल आ थोड़े वर्गे आ, एक साल च बिजली फ्री की 28,000 नौकरियां दित्तियां, 504 महला क्लीनिक चल पे जिन्हां दे विच 21,21,350 बंदे 31 मार्च 2023 तक दवाई लैके ठीक होके घरें जा चुके ने, 21,21,000 इहदा मतलब 21 लाख बंदा सरकारी हस्पतालां दी लाइन च लग्या नहीं, तो उत्थे भी नहीं भीड़ हुई, उत्थे वाले डाक्टरां ने भी जिहड़े उत्थे पहुंचे उन्हां दा इलाज सही कीता, ते इधर भी उन्हां दा मुफ्त दे विच सर गया। ये होंदे ने कम जे करने होण, जे नीतां सच्चियां होण। फिर उस तो बाद हुण परमात्मा की मार है, कुदरत की मार है, गड़े पै गए, मीह नाल फसल खराब हो गई, बेमौसमी बरसात पै गई, दाने जमा पक्के हुए सी, मैं देख के आया खेतां च वीरो 26-27 मार्च की गल है, ये मैं उत्थे गया सी खेतां च मालवे के पिंडां च, पर नुकसान सारे पंजाब च है। मैं उत्थे अनाउंस किया सी कि मलम उदों ही चंगी लगती है जदों जख्म होवे, जदों जख्म च कीड़े पै जाण उस तो बाद की पट्टियां करोंगे। 20 दिनां दे विच विच मैं कहा सी 15,000 रुपया किले का, जिहदी सारी फसल खराब होगी 15,000 रुपया किले हिसाब नाल 20 दिनां च जिहड़े पैसे मिलणगे। 13 अप्रैल नूं अबोर दे नेड़े किसे पिंड दे विच रख्या प्रोग्राम,
13 अप्रैल नूं 15,000 रुपया चैक मैं आप फड़ा के आऊंगा भाजी। सारे पंजाब दे लोकां दे पैसे थोड़े भी बहुत सारे ने थोड़े खात्यां च पैसे आउण लग जाणगे 13 अप्रैल तों। इह पहली वार होया है पैसे अगे चल रहे ने गुरदौरियां पिछे चल रहीयां ने। असीं कहा गुरदौरी बाद च दस दिओ पहिलां पैसे दे लईए क्योंकि सानूं पता नुकसान हो गया सो असीं पहली बार 12 तों 15 कीता ते जिहड़ा 33% तो 75% है वह 5400 तो 6800 किया। और नाल सब तो वड्डी गल यह है घर जे ढह गया किसी का कच्चा कोठा ढह गया कोई माड़ा घर सीगा इट्टा जिहड़ा पुराना सी ढह गया 1,20,000 रुपया एक घर की छत पाउण दा वीरो। ते नाले जिहड़ा भी सब्जियां दा दालां दा जां किहड़ी भी फसल बीजी हुई सी नुकसान होया असीं स्पैशल गुरदौरी इसे करके करवाई है कि कोई कल्ली खास फसल का नहीं असीं हरेक चीज़ का जे नुकसान हो गया सरकारां कोले वीरो इन्हां कम्मां वास्ते बथेरे पैसे हुंदे ने कोई खजाने च घाट नहीं हैगी। बस यही है नीत की घाट हुंदी है इन्हां दी साडी नीत साफ है असीं तुहानूं पैसे तुहाडे कोले पहुँच जाणगे 13 अप्रैल तो बाद पहुँचण लग जाणगे। पहली बार होया कि वह फसल जिहड़ी फसल दे तुहानूं पैसे देवांगे वह फसल भी हजे खेतां च है ते पैसे पहलां मिल गए। बई मलम तां उदों चंगी लगदी है ना जो जख्म होवे। सो इस करके ये कुदरती मार है कोई ना किसान दे कोई वस च है ना साडे वस च है पर इहोजे कम्मां च सरकार नूं अगे आउणा चाहीदा है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं उन्हां दा हैल्प करा। फिर उस तो बाद कई गरंटियां तां असीं इहोजियां पूरियां करतियां जिहड़ियां कईआं वी नहीं सी। MLA लैंदे सी पैनशनां 6-6, 7-7 पैनशनां। असीं कहा गल सुन लो जो वोटां मंगण जांदे हो तां ऐ कहिंदे हो राज नहीं सेवा ते सेवा दी पैनशन लैंदे हो कोई पैनशन नहीं मिलेगी एक पैनशन लैनी है लो नहीं ये तो भी जाओगे एक पैनशन जो रहूगी होर कोई पैनशन नहीं मिलेगी इन्ने करोड़ रुपया जिहड़ा बचेगा उही मैं किसी बेरोजगार नूं रोजगार दे के उहदी तनखाह देऊंगा वीरो वह मुंडिआं दी तनखाह देवांगे उहनां दी। आ हुंदे आ जी कम बड़ा पिट्टे इह ना जी पैनशन ना ना करो। मैं क्यों ना करो की गल जी तो तुसीं सरकारी जिहड़ियां गड्डियां सरकारी तुसीं बिजलियां वरतते रहे हो वह भी तो पैनशन भी इन एक 2-3 जिनी बारी MLA रह ले उन्नी बारी पैनशन। सो वीरो बदनाम करने की कोशिश करते आम आदमी पार्टियां सरकार नहीं चलाउणी आउंदी जी आ नहीं आउंदा जी। एक मैनू कहिंदा कहिंदा जी तजर्बे की घाट है। मैं क्या लोग दुखी हुए तजर्बेकारां तों ने जिहड़े तुसीं तजर्बे कर गए साडे ते भाजी 9063 एकड़ जंगलात महकमा ते पंचायत दी 9063 एकड़ जमीन आपां ने छड़ा ली नजायज कब्जियां चों जिहड़े वड्डे वड्डे दब्बी बैठे सी वड्डे वड्डे दब्बी। हजे आउण वाले दिनां च देखियो बुलडोजर किधर किधर नूं जाऊगा। जदों पहाड़ां वल नूं मूँह कीता ना उदों तुहानूं सुकून मिलू देखियो सही तुसीं। असीं बनाई जाने कागज सारे तैयार ने जो लोगों के पैसे नूं लुट के इन्होंने प्रॉपर्टियां बनाईयां ने सारियां प्रॉपर्टियां का हिसाब होगा तो पैसा कल्ला कल्ला खजाने जाऊगा। खजाने चों थोड़े जवाकों की पढ़ाई वास्ते थोड़े बजुर्गों की दवाई वास्ते थोड़े इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़े सड़कां मंडियां वास्ते थोड़े को ही आऊगा वह पैसा थोड़े को ही आऊगा। असी कोई पल्यों नहीं पाते कोई सान नहीं करते कह के ये साडा फर्ज बनता है। पहलां वालियां सरकारां ने किया नहीं की करते रहे इधरों खा लो इधर मेरे को फाइलां आउंदियां रोज कल्ले खाण दियां फाइलां ने बस इधरों खा लो लोगों नूं लुट लुट खाई गए ने। आ हुण मैं परसों नूं जाऊं एक दी परसों नूं बारी है 8 पहलां कर चुके हां टोल प्लाजा परसों नूं एक होर बंद होना उधर पटियाले कनी 9वां हो जूगा जी। ये टोल प्लाजे पहला भी बंद हो सकते सी पर बिच हिस्सा सी वीरो वो कहिंदे सी साडा 500 दिन वधा दिओ जी टोल प्लाजे वाले कहिंदे सी ये साइन करके कहिंदे सी 600 दिन ले लो जी 300 दिन साडा 300 थोड़ा ते साडे वाले 300 दा एडवांस दे जो सारे पैसे पहले ही दे जो। लोगों नूं की पता लगता है भी किन्नी तरीक तक है टोल प्लाजा। ये टोल प्लाजे ये लुटते हैं ये हटने चाहिए ना चाहिए या नहीं चाहिए
हर रोज किन्ने रुपये जांदियां दे किन्ने रुपये आउंदियां दे लगदे सी। नौवां टोल प्लाजा बंद होऊगा। रेता ये कहें सी रेते चो आए नहीं होना, आए नहीं होना। साढ़े पांच रुपये पर फुट वालियां पंजाह तो बाद खड्डा चलातियां, चौंती होर तैयार ने, अगले हफ्ते च वह भी चला देंगे। रे अपनी ट्राली लै जाओ नाल, जे बंदे है ने चार बंदे ले लो, नहीं उत्थों भी मिल जाएंगे। साढ़े पांच रुपये फुट के हिसाब न ट्राली भर लियो। ये पहला पहला भी चल सकदियां सी, पर पहला ये रले हुए सी, ये रले हुए सी, ये मिल के खांदे सी। हुण इन्हां कोले कोई मुद्दा ही नहीं रहा। की कहणगे जी, हुण एक साल हो गया, कोई एक रुपये का भी इल्जाम लग्या होवे सरकार ते किसी मंत्री ते, एक साल हो गया आ खड़ा थोड़े सामने। साल दे विच मैं भी चाहुंदा तां कई हज़ार करोड़ बन जांदे, पर नहीं। मैं तुहानू कहना, मैं सरकार दे एक पैसे नू थोड़ा पैसा समझदा। मैं कहना कि इहनू एक आया लोकां वल्लों टैक्स दा, इहनू इहनू डेढ़ डेढ़ पैसा बना के भेजांगे वापस। इहनां कोले स्कूल शानदार बनणगे, साडे जवाक पढ़ के डीसी लगणगे, जज बनणगे। पंजाब दे विच 8 to 10 यूपीएससी कोचिंग सेंटर खोलन जा रहे हैं। साडे जवाकां नू असीं आईएएस आईपीएस की पढ़ाई मुफ्त करावांगे। साडे बच्चे अफसर बन, एसएसपी बन, डीसी लगन साडे बच्चे। आ हुण जदों नौकरियां मिलन लग गईआं, बहुत सारे बच्चों के मैनूं फोन आए ने, उन्हां दे मापिआं दे फोन आए ने, कहिंदे जी पैसे इकट्ठे करी जांदे सी, 20 lakh तां हो गया सी, 10-11 होर लगना सी, इन्ने नूं जवाक नूं नौकरी मिल गई जी। असीं तां फिर हुण जांदे नहीं जी। जवाक कहिंदा मैं नहीं जांदा, मैं तां इत्थे रहूंगा। 20 lakh रुपया इकट्ठा कर लिया सी बंदे ने, 10-11 होर करी जांदा सी, कनेडा भेजना सी 30 lakh रुपया, 31 lakh रुपया ला के जवाक। पर उहने पेपर दिते होए सी, उहदे च तां नां आ गया, पेपर दिते होए उहदा नाम आ गया। कोई सिफारिश नहीं चलती वीरो, कोई पैसा नहीं किसे नूं देना पैंदा। मैं एक दिन 642 नौकरियां दे नियुक्ति पत्र वंडने सी, तां मैनूं 2 दिन पहला मेरे एक MLA दा फोन आ गया। वह मैनूं कहिंदा जी अपना जमा ही मुंडा खास है जी। मैं कहा अच्छा, परसों तुसीं जिहड़े नियुक्ति पत्र वंडन लगे हो 642, मैं कहा हाँ, उन्हां च आया नहीं, कहिंदा वो 3 नंबरां ते रह गया जी। मैं कहा अच्छा, बंदा जमा ही अपना है जी, कहिंदा। मैं कहा अच्छा की करिए, कहिंदा जी फिर उन्हूं पाओ बिच उहदे। मैं कहा यार पोस्टां तां 642 ने, 643 मैं किवें पा सकदे बिच। कहिंदा जी जमा ही अपना है जी। मैं करिए की, कहिंदा किसी एक नूं कढ दो। मैं उन्हूं कहा MLA साहब दोबारा जिंदगी च मैनूं ये गल ना कहो, पर पहला मेरे एक सवाल का जवाब भी दे जो कि तुहाडा अपना है, वह जमा ही अपना है, उन्हूं असी नौकरी दे दिए तो जिन्हों कढ़ांगे वह की दा फिर, वह भी तो अपना ही है यार, वह भी किसी माँ का पुत है, वह भी किसी भैन का भाई है यार। उन्हूं भी परसों, मैं क्या उन्हूं भी परसों, उहदी माँ खंड वाला दही मूँह च पा के शगन करके भेजूगी, जा पुत नौकरी लैके आ, भैन का विआह करांगे। मैं क्या जिहड़ा अपना है ना जमी खास, उन्हूं कह दे तैयारी कर ला, अगले साल 7 नंबर वध लेके आ जी, अगले साल लग जी नौकरी ते। पर मैं किसी की हक नहीं मारना, मैं किसी का हक नहीं मारना। सो इस करके मैं मुंडिया नूं कहना, नौजवानों नूं पहला भी ये करते होंदे सी, पर पहला इन्हां नूं पता नहीं सी, वो प्लैनिंग करते नहीं सी। वीरो हरेक साल पुलिस दे विच पंजाब पुलिस खड़ी, अपनी धीआं पुत ने, अपनी पुत भतीजे ने, यह पंजाब पुलिस च हरेक साल 2100 to 2200 बंदे की लोड़ पैंदी है, 1800 कांस्टेबल ते बाकी सब इंस्पैक्टर ते हैड कांस्टेबल हर साल भर्ती होंदी है, रिटायर हो जांदे ने इन्ने क। वीरो पहला किवें करदे सी, 2 महीने पहला दसदे सी भी असी 2 महीने बाद पुलिस की भर्ती करांगे। वो नौजवान मुंडे कहिंदे सी, ओ यार पहला दस देंदे यार, थोड़ा जिहा तैयारी कर लैंदे शरीर की। असी भाई 4 साल का पहले ही दसता, जनवरी दे विच नोटिफिकेशन होया करूगा, मई जून दे विच लिखती पेपर होगा, जुलाई अगस्त दे विच उहदा रिजल्ट आ जूगा, अक्तूबर दे विच फिजिकल टैसट होगा,
नवंबर दे विच उहदा रिजल्ट आ जूगा, नवा साल थोड़ा नौकरी नाल चढ़ूगा, दसंबर च नौकरियां मिल जाणगियां सारिआं नूं। इस करके हुणे ग्राउंडां जाणा शुरू कर दो, हुणे शरीर बनाउणा शुरू कर दो, इहदे नाल नशिआं तों वी बचोगे, इहदे नाल घर वी जिहड़ा उत्थे खुशियां खेड़े आउणगियां, शरीर नाल प्यार होऊगा। ये प्लैनिंगां बनाउणे आ सी, इहनूं प्लैनिंगां कहदे आ कि किवें आपां अपने यूथ नूं काम लाइए, क्योंकि वेला मन शैतानी का घर, जो वेले बहने ना उदो बुरी संगत च फसन के ज्यादा चांस रहिंदे। आ हुण जिहड़ा फैसला कीता मुल्क दे विच किसे सूबे च नहीं होया, पंजाब दे विच फैसला होया जिद्दें दा मैं अनाउंस कीता, हजे लागू भी नहीं होया, 2 मई तो होगा। मैनू पूरे मुल्क चो बहुत मुख्यमंत्रियों के फोन आए ने, जी सानू दस्यो फिर किवें रहा, असीं भी करना है कि गर्मी पऊगी, सरकारी दफ्तर सवेरे 7:30 बजे तो लैके दोपहर के 2 बजे तक चलणगे, ठंडे ठंडे नाले तुसी वेले, नाले ठंडे ठंडे मुलाजम वेले, ते नाले बिजली बचूगी जी, 2 बजे तो बाद दफ्तर बंद हो जाएंगे, क्योंकि जिहड़े काम जे करने होण तो 2 बजे तो पहला पहला हो जाते ने। इस करके ये बिजली भी बचूगी, जवाकों नाल भी उन्होंने टाइम वध लगेगा, क्योंकि 2:30 बजे बच्चे आते हैं स्कूलों चो, 2:30 बजे ही मापे आ जाएंगे दफ्तर चो, तो वध टाइम बच्चों नाल बिताउणगे। सो इस करके ये आइडिए जिहड़े ने ये तां आउंदे ने जे तुसीं साथ दिंदे हो। ओह मैं इत्थे जलंधर आया थोड़े दिन पहला, मिल्क प्लांट का उद्घाटन किया, बटन दब के वह ऐ खुल गया कार्टन जा, फिर कहिंदे जी इत्थे खड़े खड़े आपां बस्ती दानशमंदा वाले स्कूल का भी उद्घाटन करना है, आ बटन दब दो जी। मैं वह बटन दबता, स्कूल का खुल गया, उत्थे साडे एमएलए साहब खड़े सी। फिर कहिंदे जी सीवरेज का भी कप्पा कीता काम, उहदा भी इत्थों ही बटन दब दिओ जी, उत्थे दूजे एमएलए साहब खड़े है। मैं वह बटन दबता, 4 बटन दबते मैं, फिर मैं बोलदे ने कहा, मैं कहा मैं 4 बटन क्यों दबे दबण दे काबल होया, क्योंकि तुसीं पिछले साल 1 बटन दबिया सी झाड़ू वाला, तुसीं 1 बटन दबिया सी, मैं रोज़ 4 दबदा हुण विकास वाले, रोज़ 4 विकास वाले बटन दबदा मैं, तुसी ने मैनू उस बटन नू दबण दे काबल बनाया, तुसी ने। इस करके आ इना इना तो कोई उम्मीद ना रखियो, पहला चैक कर चुके इन्हां नू, ओ सुखबीर बादल ओ तां बेचारा चलो छड्डो की ओ, चलो जहाजा हैगा, चलो जिन्ना कु हैगा ओ तुरिया फिरदा, किसी दे रोड़ा रूड़ा नहीं मारदा, चलो है ना तुरिया फिरदा है ना, वो पता ही नहीं की कहिंदा, कहिंदा कल दी गल दसी है, भी विरोध करी जांदा सीगा जिहड़ा टाइम बदलिया, कहिंदा इहदा मतलब साडे घरां च हुण लेडीज जिहड़ियां ने जनानियां 2:30 बजे उठिया करनगियां, लै जिहनूं 2:30 ते 2:30 दा नहीं पता वह की चला लूगा पंजाब नूं यार, दसो 2:30 बजे दसो, ये ने जी वह, उन्हां तो कोई उम्मीद ना करो। वो कांग्रसी ने उन्हां दा ऊ नहीं पता भी किन्ने धड़े ने, कई कांग्रसी तो यहे जे ने जिहड़े मतलब बस कल्ले यही देखना भी वह किधर जांदा है, वह क्यों जांदा है, इहनूं किवें हराइए, इहनूं किवें सिटीए, इन्हां कम्मां ते लगे है। सो मैं मेरे बारे बोली जाण जिन्ना बोली जांदे ने, इह तां कहिंदे पहलां देखो किवें बदले ने, इह पहलां कहिंदे सी नो 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 आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनती, जदों रिजल्ट जे आने लगे 60-65 ही आनगियां, ज़्यादा नहीं आउंदियां इन्हां नूं, जदों 92 आ गई आ गई 3 महीने चलनी नहीं इन्हां तों, जो 3 महीने चल भी बिजली नहीं फ्री कर सकते, जो बिजली फ्री करती नौकरियां कितों देंगे, जो नौकरियां देन लग गए हुण तां सिद्धे ही रौले ते आ गए, मैं नहीं मैं क्यों चलाई जाते ने हर गल करी जाते ने, बस आ फर्क है इन्हां की करिए रोज़ मेरे को वीडियो आउंदियां ने, कदे कोई रोई जांदा हुंदा कदे कोई, ठीक है ना। सो इन्हां ने सोचा सी कि पता नहीं साडा ही राज चलूगा, पर लोग ने बई लोगों ने बड़े बड़े घराने वेले करते, घराने जिहड़े जिंदगी च कहिंदे सी हारना नहीं सानू हरा नहीं सकदा कोई, वह बैठे ने। सो वाह जी कमाल करती लोगों ने, ये लोगों की शक्ति है, बैठ जाओ आ कोई नहीं कोई नहीं, चलो बहुत अच्छे बहुत, ताड़ियां मार दो ताड़ियां मार दो। ये तो हुण आ जिहड़ी पड़ास है ये पड़ास तो झाड़ू वाला बटन दब के निकलू हुण बस, सो छेती तो छेती थोनू मौका मिलेगा। देखो शहीदां की सोच, उन्होंने सानू मुल्क लैके दिता,
ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਲਵਾਰੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਆਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਤੀ। ਲੈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ? ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕੰਮ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਜਨਾਬ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਪੇਚਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ, ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ, ਵੀ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਥੇ ਭੇਜਤਾ 19 'ਚ, ਲੈ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਗਾਹ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲਾਤੀ, ਆਪ ਹੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਤੀ ਮੇਰੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸੀਟ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਉਸੇ ਸੀਟ 'ਤੇ ਰਿੰਕੂ ਬੈਠੇ, ਅੱਗੇ ਬੋਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸਵਰਡ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਉ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਉ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਐਮ ਪੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਮ ਪੀ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਮ ਪੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਮ ਪੀ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਆਓ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬਚਾ ਹੀ ਰੱਖਿਓ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਵੀਰੋ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਪਾਲ ਲਏ ਲੀਡਰ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਉਹਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਾਂ, ਐਂ ਰਹਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਓ ਬਸ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ, ਉਹ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਓ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੰਡ ਦੀ ਬੋਰੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਪੀਪਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਹਿਦ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਐਂ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਾਤੀ, ਆਹ ਕੀ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੱਖੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਛਿਪਕਲੀ ਆ ਗਈ, ਕੋੜ ਕਿਣਲੀ ਪੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਛਿਪਕਲੀ ਦੇਖੀ, ਲਾਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਚੂਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਚੂਹਾ ਕੋੜ ਕਿਣਲੀ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੂਹੇ ਨੇ ਕੋਲ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਪੂਛ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਗਾਹਕ ਆ ਗਿਆ, ਗਾਹਕ ਕੋਲ ਕੁੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਬਿੱਲੀ ਫੜ ਲਈ ਜੀ। ਉਹ ਲਾਲੇ ਕੋਲ ਸੋਟੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੁੱਤੇ 'ਤੇ ਸੋਟੀ ਮਾਰੀ, ਕੁੱਤਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੱਟਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾਲੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ, ਲਾਲੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚੋਂ ਲਹੂ ਲਹਾਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡ ਦੀ ਬੋਰੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਫੇਰ ਆਊਂਗਾ। ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਗਿਆ ਬਸ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਨੇ ਪੰਗਾ ਪਾਇਆ ਬਸ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਓ ਜਿਹੜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਵਾ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦਾ ਭਾਈ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁੱਖੀ ਸਾਂਦੀ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੋਚੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹੋ,
झाड़ू वाला चोन निशान है तो झाड़ू का काम हैगा सफाई करनी, तो सफाई पहला भी तुसी कीती है। एक बारी दोनों हाथ खड़े करके दो नारे ला के मैनू ये यकीन दवा दो, मैं जो घरें जाऊँगा तो मैं लगे कि अच्छ मैं पहली रैली कर करतारपुर करके आया, तो ठंडी हवा के बोले जलंधर वाले पास्यों आ रहे हैं इनकलाब। थोड़ा जा होर चक दो, आ जलंधर शहर तक तो पहुंचे ना तक इनकलाब। बोले सोनिया, बाकी ग्रांटा की गल, स्टेडियम की गल, क्लबा की गल, लाइटा की गल, सीवरेजा की गल, बिजली की गल, सड़कों की गल, जिन्निया मर्जी थोड़ी अपनी सरकार है, चाबियां थोड़े कोले ने, क्योंकि इलेक्शन कोड लग्या मैं अनाउंसमेंट नहीं कर सकता, पर मैं इन्ना थानू यकीन दवाना कि किसी पिंड चो कोई लांबा नहीं आऊगा, और जिथे लाइन च खड़ के जिन्हें वोटा पाइया ने उदो मैं ये कहाना है, पांच साल कई बार कहाना है कि वोट पाने का नज़ारा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, जिंदे वसते रहो। और फिर दोबारा मैं साडे मानयोग चौधरी साहब का, मैं साडे परिवार के सुरेंद्र चौधरी जी का स्वागत करदा, और एक मीडिया के नाल फोटो भी मैं चाहूँगा कर ली। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद, जिंदे वसते रहो। एक मिनट लिए बलकार सिंह जी धन्यवाद कर देंगे, बलकार सिंह जी धन्यवाद। बहुत ही सत्कारयोग साढ़े हरमन प्यारे मुख्यमंत्री साहब और जिन्हें भी साड़ी संगत आई है आम आदमी पार्टी की वक् वक् जगह तो पिंडा तो कस्बों तो, उन्होंने बहुत धन्यवाद, और एम एल ए साहबान जिन्हें साढ़े आए संगठन के साथी आए उन्हें सारे का बहुत धन्यवाद। और चढ़ती कला दे रहना, एक बार जान लगे बाहवा खड़िया करके दसना पे सीएम साहब के आप सारे नाल है। बोले सोनिया।